महीना में मेरा कैरेक्टर बहुत इंजॉयबल और मेमोरेबल होगा, आप लोगों को देख के मज़ा आएगा। कहानी बहुत मसालेदार है, लव स्टोरी है और उसमें मैं एक बहुत मुख्य भूमिका में नजर आऊँगी, तो ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। रोज़ कुछ ना कुछ, मेरा कैरेक्टर ऐसा था जो फिल्म में उसी पॉइंट पे आता था जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता था या बहुत बड़ा उसकी वजह से हो जाता था, तो हर बार मेरा किरदार किसी न किसी दुविधा में या परेशानी में पड़ता था। तो ऑल सीन्स आर वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी चूज़ करने से पहले, तो मुझे ये रोज़ लगता था कि क्यों तुम डिफ़िकल्ट रोल्स ले लेती हो, पर मज़ा बहुत आया एंड होपफुली इट्स पेड ऑफ। थिएटर जी जी मैंने प्लेस किए हैं, मैंने प्लेस किए हैं, पर ये कहना ठीक नहीं होगा कि थिएटर का बैकग्राउंड है, क्योंकि जो सीरियसली कमिटेड थिएटर वाले एक्टर्स होते हैं वो 10 12 13 14 15 20 साल देते हैं थिएटर को, उतना मैंने नहीं दिया अपनी लाइफ में से, बट इट रियली हेल्प मी बिकॉज सर ऑल्सो अंडरस्टैंड थिएटर, ही इज़ डायरेक्टेड अ बिग प्ले ऑल्सो इन फ्रांस, तो उनको मीटर और रिदम और वॉइस का बहुत नॉलेज है, इसलिए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि वो भी जानते थे और मुझे बेटर डायरेक्ट कर पाए। नहीं, रासलीला का कोई वो नहीं है, रासलीला टैगलाइन है गोलियों की रासलीला, रामलीला फिल्म की टैगलाइन है, उसका रसीला से कोई लेना देना नहीं है। रसीला किरदार का नाम है और रसीला का मतलब होता है रस से भरी। सोचते ही नहीं, क्योंकि कहानी राम और लीला की है, फिल्म साइन करते वक्त भी मुझे ये पता था और उनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है, दो स्टार्स हैं उनके नाम पे फिल्म बेची जा रही है और फिल्म अगर चलेगी तो सबको फायदा होगा, इसलिए मैं भी अगर प्रोड्यूसर होती तो मैं भी ऐसा ही करती। सचिन, वी विल मिस यू, पीपल हैव डिबेटेड योर रिटायरमेंट मोर देन दे डिबेटेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया विच इज़ रॉन्ग, एंड आई थिंक यू हैव गिवन इनफ टू द कंट्री, नाउ प्लीज़ गिव योर सेल्फ एंड योर फैमिली सच टाइम एंड एन्जॉय योर लाइफ। रॉयल्टी भेज दीजिए।